पार के नारे के साथ मनाया भाजपा स्थापना दिवस। रेवाड़ी 6 अप्रैल, आदर्श शर्मा। भाजपा महिला मोर्चा रेवाड़ी की तरफ से आज भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर इस कार्यक्रम की जिला संयोजक रेखा शर्मा के साथ महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाओं ने भाडा वास चौक से बाजार के बीचों बीच होते हुए झज्जर चौक पर रैली का समापन किया। इस मौके पर भाजपा नेता और प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर वंदना पोपली ने कहा कि हमें गर्व है कि हम भाजपा के सिपाही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी। भाजपा ने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया है। 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया है। इस कार्यक्रम की जिला संयोजक रेखा शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी के निर्देश अनुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार भाजपा 400 से भी ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। रेखा शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंची सभी महिलाओं का स्वागत और धन्यवाद किया। इस मौके पर पार्षद रेखा भाडावास, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू चौधरी, कृपा जैमिनी, अलका मलिक, सुमन चौहान, नीरू भारद्वाज सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थिति रही। क्या कार्यक्रम है आज का? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है और उसके लिए यात्रा जो है महिला मोर्चा की तरफ से निकाली जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव हमारी पार्टी को प्राप्त है। हमारे जितने भी नेता जिन्होंने संघर्ष किया था, त्याग किया था और इस पार्टी को सींच कर आज जिस डायरेक्शन में जा रही है, उनको मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगी। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। और ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसमें इस प्रकार के नेता हैं। अगर मैं नेतृत्व की बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से हमारा विश्व में डंका बज रहा है, और उसी प्रकार से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल नहीं देखा होगा जो हरियाणा ने दिया कि एक कार्यकर्ता को कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, वो अपने पद का त्याग करके वो दूसरी डायरेक्शन में दूसरे दायित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो संस्कार है ये हमारी पार्टी के द्वारा दिए गए हैं। हमारे साथ हमारी बहन रेखा जी हैं, चांदनी जी हैं, नीतू जी हैं, कृपा जर्मनी जी हैं और हम सब मिलकर, सुमन चौहान जी हैं और हम सब मिलकर यात्रा निकाल रहे हैं। हम सब भाजपा का स्थापना दिवस है, महिलाओं को सम्मान मिला है, मोदी सरकार में महिला सशक्तिकरण हुआ है, क्या कहेंगे? नमस्कार सभी को, मैं नीरू भारद्वाज, जिला सचिव रेवाड़ी। आज 44वें स्थापना दिवस पर मैं सभी को बधाई देती हूँ और विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम हो रहा है। कहीं बाइक पर रैली हो रही है, कहीं महिलाओं ने आज बाजार में पूरा चौक से लेकर झज्जर चौक तक ये यात्रा निकाली है जिसमें एक ही नारा रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को समर्पित ये पूरा साल दिया है जिसके अंदर विभिन्न योजनाएं और संसद तक की हमें एक लाभ मिला है और सभी महिलाओं को गौरवान्वित महसूस होता है यह जानकर कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही मुमकिन कर सकते थे। रेखा जी, आज भाजपा का स्थापना दिवस है, महिला सशक्तिकरण भी भाजपा ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आज ये हमारा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया हम बहनों ने, यह हमारी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी जी के दिशा निर्देशानुसार ये कार्यक्रम का प्रोग्राम मेरे को दिया गया है। रेवाड़ी विधानसभा से मैं सहयोग का हूँ और मेरी सभी बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। सभी बहनों ने मिलकर भारत माता के, नरेंद्र मोदी के, उषा जी के जयकारे लगाए हैं। सभी बहनें कह रही हैं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सभी बहनों ने कहा है कि हमारे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को बहुत ही मान सम्मान दिया, 33% आरक्षण दिया। तो सभी बहनें कह रही हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400